हाय दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 यानी दोस्तों हाई कोर्ट में जो राजस्थान पुलिस से संबंधित जो रिट दायर थी उसका फैसला हाई कोर्ट ने कल 18 अगस्त को सुना दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस पेपर को लीक नहीं माना है। यानी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ था पेपर लीक। आखिर क्यों नहीं माना हाई कोर्ट ने पेपर लीक, आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, और इसका रिजल्ट कब जारी होगा, फिजिकल विभाग कब स्टार्ट कराएगा, आदि जानकारी देखेंगे एक इसी वीडियो में। दूसरी न्यूज़ दोस्तों, रिट लेवल 2 2018 का जो प्रमाण पत्र है वो कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से मिलेंगे रिट सेकंड लेवल के प्रमाण पत्र। एक दोस्तों, राजस्थान पुलिस से संबंधित 3 ऐसे कारण थे जिसने पुलिस विभाग को हाई कोर्ट में बताया, इसी से संबंधित हाई को इस कारणों को जानकारी हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती को रद्द नहीं किया। इसमें पहला कारण है कि पुलिस विभाग ने बताया कि जो चौथी पारी में पेपर हुआ था, उस पेपर में किसी भी अभ्यर्थी के ऐसे अंक नहीं आए हैं जिससे कि पेपर लीक का फायदा किसी अभ्यर्थी को मिला हुआ हो। दूसरा कारण था कि पेपर जिस टाइम पे लगा था उस टाइम में पूरे दिन नेट बंद था। और एक तीसरा कारण यह था कि किसी भी पेपर में यह नहीं लिखा होता कि यह कौन सी पारी का पेपर है। आदि से संबंधित हाई कोर्ट आदि से आदि कारणों से संबंधित हाई कोर्ट ने पेपर को लीक नहीं माना। अब इसकी संपूर्ण डिटेल हम आगे देखते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ था पेपर लीक। राजस्थान हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 की तीसरी पारी में चौथी पारी का पेपर बटने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश V.S. सिराधना की एकल पीठ ने यह आदेश गोपीचंद मीणा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए हैं। अदालत ने माना है कि चौथी पारी का पेपर तीसरी पारी में खुलने को पेपर लीक होना नहीं माना जा सकता है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 4 पारियों में लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें कोटा और बारा के एक एक परीक्षा केंद्र में तीसरी पारी की परीक्षा में चौथी पारी का प्रश्न पत्र खुल गया था। ऐसे में इसे पेपर लीक मानते हुए परीक्षा रद्द की जाए, जिसका जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पेपर में कहीं भी अंकित नहीं था कि वह किसी पारी में बांटा जाएगा कि वह किस पारी में बांटा जाएगा। इस संबंध में एडीजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें पाया कि चौथी पारी के किसी भी अभ्यर्थी के ऐसे अंक नहीं आए जिससे यह साबित हो कि उसने पेपर लीक का लाभ लिया है। इसके अलावा सभी परीक्षार्थियों को संपूर्ण परीक्षा समाप्त होने के बाद ही इसकी जानकारी मिली थी। वही परीक्षा के दिन मोबाइल इंटरनेट भी बंद था, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी राजस्थान पुलिस द्वारा 3 ऐसे ठोस कारण बताए गए जिसको लेकर पेपर लीक नहीं माना गया है। एक तो यह था कि चौथी पारी के किसी भी विद्यार्थी के ऐसे अंक नहीं आए हैं जिससे यह साबित हो चुका है कि उसने पेपर लीक का लाभ लिया हो। यानी दोस्तों, यह तो कन्फर्म है कि राजस्थान पुलिस द्वारा आपका परिणाम तैयार कर लिया गया है, जिसका रिजल्ट अब जल्द ही पुलिस विभाग द्वारा लगभग 2 या 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। और इसके फिजिकल मेरे हिसाब से 1 सितंबर के लगभग स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी खबर है अपनी रिट लेवल 2 से संबंधित, यानी कल से मिलेंगे रिट सेकंड लेवल के प्रमाण पत्र। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा सेकंड लेवल के प्रमाण पत्र वितरण केंद्रों पर भिजवा दिए हैं। परीक्षार्थियों को सोमवार से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेंगे। बोर्ड सचिव एवं रिट समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपने रोल नंबर अंकित कर प्रमाण पत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वितरण केंद्रों से यह 29 सितंबर तक प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके लिए परीक्षार्थियों को मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र दिखाकर एवं उसकी स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति केंद्र पर जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्रमाण पत्र पुनः रिट कार्यालय पहुंचा दिए जाएंगे। आदि से संबंधित दोस्तों, यह थी रिट लेवल की न्यूज। यानी कल भी मैंने रिट लेवल 2 से संबंधित एक वीडियो डाला था कि विभाग द्वारा आपकी कट ऑफ 30 अगस्त को जारी कर दी जाएगी, और थर्ड ग्रेड
लेवल टू से संबंधित संपूर्ण कार्य सितंबर माह में संपन्न कर लिए जाएंगे और आपको सितंबर माह के अंत तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।